डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। नाइन्थ क्लास के लिए मैथ्स क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम में, तो उनके लिए क्लास जो हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का कब का कंप्लीट कर चुके हैं, और एक्सरसाइज 1.6 के लिए हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल को भी पढ़ा है। उसमें हम लोग जो रूल्स नियम है उसको अप्लाई करने के लिए सीख लिया है, उसको कैसे यूज करना है। तो चलिए अब उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो पहला का क्वेश्चन है वो तीन ठो है। तो पहला क्वेश्चन ये है 64 के पावर 1/2। इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्यूशन करना है कि 64 के पावर 1/2 है, इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो 64 कितना का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 है, तो हम 64 के जगह पे 8 का स्क्वायर लिख दिए, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दिया, फिर पावर क्या है 1/2। हम लोगों ने सीखा है पिछले दिन कि अगर पावर का पावर रखा जाए, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर डबल पावर कैसे तोड़ दिए, तो इस 64 को हम लोगों ने 8 का स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि फार्मूला पे आ जाए, रूल्स पे आ जाए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पे आ जाए कि जब पावर का पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 8 के पावर 1, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8। अब जरा पहला का बी क्वेश्चन को देखते हैं कि बी क्वेश्चन कैसा है। तो 32 के पावर 1/5, 32 के पावर 1/5। जरा आप ये बात ट्राई कीजिए कि 32 को आप फैक्टर तोड़िए, तो 32 का फैक्टर कैसे तोड़ेगा, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो हम इसी 32 को कितना गुना लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 5 बार, ठीक है। अब इसको 5 बार लिखने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार आया भाई, 5 बार आया, इसीलिए इसको लिख दिया 2 के पावर 5। यानी कि हम यहां से ये सीखे कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, कि 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो इस 32 को लिख दिया 2 के पावर 5, के पावर कितना 1/5। फिर क्या हम लोग सीखे कि जब पावर का पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, जब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 के पावर 5 × 1/5, तो 5 से 5 कट गया, आंसर कितना बन गया, 2। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन वहां पे 125 के पावर 1/3 है। अब जरा 125 को जब आप तोड़िएगा तो पता चलेगा कि 125 कितना पे टूटता है भाई, तो यहां पे हम तोड़ते हैं, 125 को हम 5 लगाएंगे तो 25 बार में, और 5 को फिर से 5, यानी 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हम 125 को क्या करेंगे, 5 के पावर 3 कर दिया, k/1/3। हम लोग क्या सीखें कि अगर पावर का पावर रहता है तो पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 के पावर ये हो गया 3 × 1/3, तो 5 के पावर 1, इसका मतलब 5 आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 1.6 में दिया हुआ क्वेश्चंस को लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, नोट भी करते चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं
दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसका भी बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन के भी हमें चार क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या बोला कि 9^3/2 9^3/2 हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 9 को तोड़ेंगे तो कितना का स्क्वायर होता है। हमको पता कि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 के जगह पे 3 का स्क्वायर लिख दिया और पावर कितना है ऑलरेडी पहले से 3/2 है। तो अब हम लोग पावर का पावर जब रहता है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3^2 को गुना कर दीजिए ऊपर वाला पावर से। तो 2 से 2 कट गया तो 3 का पावर कितना बच रहा है 3। इसका मतलब 3 को कितनी बार गुना करो आप 3 बार 3 × 3 × 3 यानी कि 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी में। तो इसमें बोल रहा है 32^2/5। तो सबसे पहले अभी हम लोग 32 को ही तोड़े थे पहला सवाल में कि 32 कितना के पावर में टूटेगा भाई। तो आपको पता कि 32 जो होता है वो 2^5 लिखने से आता है। 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 5 बार अगर 2 2 2 लिखा जाए गुणा किया जाए तो कितना आता है 32। तो इसीलिए 32 के जगह पे कितना लिख दिया 2^5 और ऑलरेडी पहले से कितना पावर है तो 2/5। तो अब हम लोग का पावर का पावर मिलता है तो क्या करते हैं तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 2/5 इसका पावर 5 था तो 5 से 5 कट गया तो 2^2 मतलब कि 4। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर करेंगे। जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अब की बार है 16^3/4। तो 16^3/4 है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे जरा देख लेते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन है चौथा 16^3/4। अब 16 को क्या करना है हमें तोड़ना है। जरा 16 को तोड़ के दिखाते हैं। 16 को तोड़ेंगे तो 2 × 8 = 16 2 × 4 = 8 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 यानी कि 2 को कितनी बार लिखने से 16 आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 को 4 बार लिखने से 16 आ रहा है। इसका मतलब 16 जो आता है 2^4 करने से आता है पावर में कितना 3/4। तो अब हम लोग जब पावर का पावर देखते हैं तो गुना कर देते हैं तो 4 को गुना कर दीजिए 3/4 से तो 4 4 कट गया 2^3 बच गया। 2^3 का मतलब 2 कितनी बार 3 बार तो 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा का सॉरी ये तीसरा सवाल था बी था ना यहाँ पे तो यहाँ पे सी है दूसरा का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ कि हमें वो क्वेश्चन कैसे करना है क्वेश्चन नंबर डी यानी कि चौथा। तो डी कुछ इस तरीके से सवाल दिखा रहा है क्या दिखा रहा है तो 125^-1/3 125^-1/3 ठीक है। तो 125 को अभी हम लोग तोड़े थे पहले क्वेश्चंस में ही कि 125 को हम कितना लिख सकते हैं भाई तो 5 का 3 बार गुना करने से 125 आता है तो इसीलिए 5^5 कितना लिख दिया 3 और उसका पावर कितना है तो -1/3। हम लोग फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में पढ़े कि गुना पावर का पावर का पावर रहता है उसको गुना करते हैं तो यहां पे 5^5 क्या है 3 को गुना कर दिया -1/3 से तो 3 3 कट गया क्या बच रहा है भाई तो 5^-1। तो जब माइनस को हम लोग को हटाना होता है तो ये ऑलरेडी 1/5 आंसर हो जाता है। यानी कि जब किसी संख्या के पावर -1 रहे
यानी एक चीज आप सीख लीजिए, हम लोग वहां पे बताना भूल गए होंगे, x के पावर माइनस एक रहता है इसको 1/x लिखा जाता है, ठीक है, ये रूल होता है। तो 5 के पावर माइनस एक है तो 1/5 रहेगा। अगर मान लिया कि x के पावर माइनस 4 रहता तो 1/x के पावर 4 हो जाता प्लस में, ठीक है, माइनस 4 रहता, माइनस वाला जो कभी भी होता है ना तो 1/ में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पे आधारित थे और इन्हें सॉल्व करना कुछ ज्यादा मुश्किल या टफ नहीं थी, क्योंकि एट्थ में हम लोग बहुत हार्ड इससे किए हुए हैं, तो ये उसके अपेक्षा कुछ नहीं है। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या बोल रहा है, 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5। देखिए क्या बोल रहा है तीसरा का पहला में, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, ठीक है। अब यहां पे इंटू है, इसका मतलब क्रॉस। हम लोग पढ़े हैं पिछले दिन कि अगर दो संख्या रहे, दोनों को बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, तो दो बेस को लिख लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, 2/3 + 1/5। 1/5 है या 1/3 है, सॉरी 1/3 ही होगा क्योंकि 5 तो हो नहीं सकता है ना, 3 मिस्टेक है, हो गया था 3। तो अब 2 के पावर में 3 का एलसीएम लेंगे, 3 यहां बन जा रहा है 2 + 1, 2 के पावर 3/3 कितनी बार में, 1 बार में, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इसका दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 1/3 के पावर 3 के पावर 7, 3 के पावर 3 के पावर 7, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे अलग अलग तो 1 के पावर भी 7 टूटेगा और बटा इसका भी पावर 7 टूटेगा, तो 3 के पावर 3 तो पहले से है, बाद में 7 लिख देंगे। तो 1 का पावर कितना भी रहता है उसका वैल्यू कितना लिखा जाता है, 1। याद रखिए 1 का पावर अगर 2 रहे 4 रहे 8 रहे 1 लाख भी रहे उसका वैल्यू 1 ही होता है, और जब पावर का पावर होता है तो 3 और 7 का मल्टीपल कर देते हैं, यानी 3 के पावर 3 × 7, तो आंसर हो जाएगा 1/3 के पावर 21, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन तक के डिस्कस किया, पहला और दूसरा। तीसरा में भी टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस हैं। तो तीसरा का 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी किया है, चलिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 के पावर, सब देखिए रूल पे है, 11 के पावर 1/2 / 11 के पावर 1/4, तो ये तो रूल पे है ना भाई। कैसे, हम लोगों ने पढ़ा है पिछली बार कि अगर दोनों का बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे और डिवाइड पे रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पावर को घटा देते हैं, यानी 11 का 11 लिखेंगे और 1/2 में से -1/4 कर लेंगे, तो 11 का पावर क्या बनेगा, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 × 2 = 4 -1, यानी कि 11 के पावर 1/4 बनेगा, और इतना ही छोड़ देंगे 11 का 1/4। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चौथा, 7 के पावर 1/2 × 8 के पावर 1/2। देखिए हम लोग एक और रूल्स को पढ़े कि जब नीचे वाला अलग अलग रहेगा,
यानी कि देश जब अलग अलग रहता है और पावर जब सेम रहता है तो हम लोग नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को वैसे ही छोड़ देते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा, हम लोग पढ़े ना कि अगर बेस अलग अलग रहे और पावर एक ही रहे, पावर 1/2 1/2 दोनों में पावर सेम रहे, हम लोग क्या कर लेते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 × 8 7 × 8 = 56 और दोनों के पावर कितना रहने वाला है 1/2 यानी कि 56 के पावर 1/2। तो इस तरीके से चार, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस था, एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी क्लास 9 की जो सॉल्यूशन किया मैंने उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस था। तो इस तीनों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन किया है, उम्मीद है आप लोगों ने इससे समझा होगा ढंग से और आप इन क्वेश्चंस को जरूर अपने नोटबुक में नोट कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और बाद बाकी आज के क्लास को इतना एंड करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।